हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथ फर्स्ट पेपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम पहले करवा चुके हैं, लेकिन उसमें उतने डाउट क्लियर नहीं हो पाए हैं किसी के, तो हमने सोचा फिर से वीडियो अपलोड की जाए। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा, एंड वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि W जो हो वो परिमित विमीय सदिश समष्टि VF की एक उपसमष्टि हो, थोड़ी सा मिस्टेक लग गया लेकिन आप लोग समझिएगा, जो ये W है वो परिमित विमीय सदिश समष्टि VF की एक उपसमष्टि हो, तो सिद्ध करो कि डायमेंशन V अपॉन W इज इक्वल टू डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। अब ये डायमेंशन हम पिछले वीडियो में आप लोग के लिए बता चुके हैं कि ये डायमेंशन कहलाता क्या है, ये कहलाता है विमा। विमा मीन्स होता है उसमें अवयवों की संख्या बताना, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का है और चैप्टर अपना थर्ड है। चैप्टर थर्ड में हमको विभाग समष्टि और विभाग विमा के बारे में बताना पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के लिए जरूर अच्छे से समझना है। और आप लोग थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट पर जाकर सारे के सारे क्वेश्चन देख सकते हो, मैथ फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, ठीक है। आप लोग के कहने पर ही हम ये दोबारा करवा रहे हैं, क्योंकि वो जो पहले की वीडियोज हैं उसमें डाउट क्लियर नहीं हो, और थोड़ी सा उसमें वो पहले की वीडियो ओल्ड वीडियो है तो थोड़ी सा मिस्टेक है उसमें, मतलब कैमरा हिलता है, ठीक है, उसमें, इसलिए हम ये दोबारा करवा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम विमा के बारे में बता चुके हैं आप लोग के लिए, और विमीय सदिश समष्टि भी बता चुके हैं, और विस्तार प्रमेय भी बता चुके हैं, ठीक है। तो माना बी ऑफ एफ एक परिमित विमीय सदिश समष्टि तथा डब्ल्यू जो है वो बी एफ की एक उपसमष्टि है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जब उपसमष्टि है यानी कि जो विमीय सदिश समष्टि है उसको अपन एक आधार लेते हैं, माना एस जो है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन डब्लू का आधार है। आधार है इसका अर्थ ये है कि जो इसमें अवयव है, अपन डायमेंशन जब डब्लू की विमा निकालेंगे, इसमें अवयवों की संख्या क्या है, एन है, ठीक है, तब विस्तार प्रमेय से इसके आधार को प्रसारित करके अपन बी का आधार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका विस्तार जब करेंगे, अभी केवल क्या है, एन अवयव है, इसको जब आगे तक ले जाएंगे तो अपन ने ले लिए एस डैश इज इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन और बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बीटा एम अवयव तक, ठीक है। तो ये अपन ने इसके आधार का प्रसार कर दिया। अब देखो जब इसके आधार का प्रसार कर दिया तो ये काय का आधार बन गया, बी ऑफ एफ का यानी सदिश समष्टि का बन गया, ठीक है। तो अपन जब डायमेंशन, ये जब जिसका आधार होता है उसी के आधार पे अपन उसकी विमा लिखते हैं। अब जी अपन का काय का आधार है, बी का आधार है एस डैश, तो डायमेंशन भी, इसमें अवयवों की संख्या क्या है, एन और एम, तो एन प्लस एम, डायमेंशन भी इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, एन प्लस एम। और डायमेंशन डब्लू, जो डब्लू का आधार है, डब्लू का आधार क्या है अपना, ये है, इसमें अवयवों की संख्या क्या है, एन, तो अपन डायमेंशन डब्लू इज इक्वल टू एन लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न से, तब प्रश्न क्या कह रहा है कि डायमेंशन भी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन भी माइनस डायमेंशन डब्ल्यू। तो डायमेंशन भी की वैल्यू रख दी क्या अपनी, एन प्लस एम, मतलब भी में अवयवों की संख्या क्या थी, एन प्लस एम, तथा डब्ल्यू में क्या थी अपनी, अवयवों की संख्या एन थी। तो यहां से एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपना, एम। अर्थात अपन को यह सिद्ध करना है कि डायमेंशन भी अपॉन डब्ल्यू में अवयवों की संख्या क्या है, एम, क्योंकि काटने से अपना एम बच रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपनी डायमेंशन भी अपॉन डब्ल्यू, इसका अर्थ ये है कि जो भी अपॉन डब्ल्यू में अवयव होंगे वो कितने होंगे, अवयवों की संख्या एम होगी, अपन को ये बताना है। अतः हम केवल इतना दर्शाएंगे कि भी अपॉन डब्ल्यू के आधार में एम अवयव है, अतः एस डैश जो होगा वो सबसेट होगा भी अपॉन डब्ल्यू का, यानी कि भी अपॉन डब्ल्यू का आधार अपन को एस डैश ये सिद्ध करना है। अब देखो भी अपॉन डब्ल्यू में जो आधारों की संख्या होगी वो एम तो होगी, लेकिन यहाँ पे अपन को डब्ल्यू भी लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी अपॉन डब्ल्यू, तो एस डैश इज इक्वल टू अपन को क्या सिद्ध करना है, डब्ल्यू प्लस बीटा वन डब्ल्यू प्लस बीटा टू डब्ल्यू प्लस बीटा एम, ठीक है, यानी इसमें एम अवयव अपन को बताना, ये अपन को यहाँ पे सिद्ध करना है। तो इसके लिए अपन को ये सिद्ध करना होगा कि रैखिकता स्वतंत्र है, ठीक है। अतः अब हम केवल इतना दर्शाएंगे कि एस डैश भी अपॉन डब्ल्यू का आधार है, यानी एस डैश एल आई है जो इसका आधार है, वो रैखिकता स्वतंत्र है। और रैखिकता स्वतंत्र सिद्ध करने के बाद इसमें अपन को ये बताना है कि भी अपॉन डब्ल्यू जो है उसका आधार अपन का एम है, यानी एम अवयव उसमें यहाँ पे बताने हैं, दो कंडीशन अपन को यहाँ पे सिद्ध करनी है। कहीं भी आप लोग के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादातर जो लीनियर इंडिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंस यानी कि अपन को रैखिकता स्वतंत्र ही सिद्ध करना है, जो अपन का यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन है,
ये है अपन की फर्स्ट कंडीशन कि एच डैस एल आई है। लीनियर इंडिपेंडेंस सिद्ध करने के लिए आप लोग के लिए एक अलग से एक अवयव लेना पड़ता है और उसको प्लस करके उसको मल्टीप्लाई करके जो अवयव होता है उसको मल्टीप्लाई करके प्लस लिखना पड़ता है। अब मान के चलो एच डैस, तो जो एच डैस है उसका आधार क्या है, यानी जो आधार है बी अपॉन डब्ल्यू का वो क्या है, वो यहाँ पे आप लोग पहले लिख लीजिए। क्या था अपना एच डैस इज इक्वल टू था अपना डब्ल्यू प्लस बीटा वन, ठीक है, और W प्लस बीटा टू, W प्लस बीटा एन, ये था अपन का एस डैस, यानी ये अपना आधार था। तो अपन को क्या करना है सिद्ध कि रैखिकता स्वतंत्र है, तो इसके लिए अपन को एक अलग से अवयव लेंगे। अपन ने यहाँ पे माना ए वन ए टू ए थ्री ए एम, यानी ये अपन ने कोई अवयव ले लिया ए वन ए टू ए थ्री ए एम इस प्रकार है कि अब देखो कहीं भी रैखिकता स्वतंत्र सिद्ध करना, तो अपन ये अवयव ले लिए, इनका मल्टीप्लाई इनमें करके अपन को प्लस करना है। ए वन का मल्टीप्लाई डब्ल्यू प्लस बीटा वन में कर दिया, फिर प्लस लगा दिया, फिर ए टू का मल्टीप्लाई डब्ल्यू प्लस बीटा टू में कर दिया, फिर डेड डेड एस ए एम, ए एम का क्योंकि यहाँ पे भी एम अवयव है अपन के, ठीक है, और यहाँ पे भी, तो ए एम का इसमें मल्टीप्लाई करके प्लस, यानी ए एम इंटू डब्ल्यू प्लस बीटा एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ले लिया, क्योंकि अपन ने एक डब्ल्यू लिया है ना, यहाँ पे भी डब्ल्यू लिया, तो यहाँ पे भी अपन ने इसकी उपसमष्टि डब्ल्यू ले ली, ठीक है। अब देखो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए वन का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डब्ल्यू जो कहते हो प्लस ए वन बीटा वन, फिर यहाँ पे डब्ल्यू जो कहते हो ए टू बीटा टू प्लस डब्ल्यू जो कहते हो ए एम बीटा एम इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया, ठीक है। सब में से अपन का W कॉमन आ रहा था, तो W कॉमन निकाल लिया, क्या बचा A1 वन बीटा वन प्लस ए टू बीटा टू डेड एड एस ए एम बीटा एम इज इक्वल टू W। अब देखो जो ये अवयव है N अवयव का में आ रहा है, अपन के भी में आ रहे हैं ना, जो अपन ने भी के अवयव लिए थे उसमें N और M दोनों अवयव आ रहे हैं, तो जो ये अपना N अवयव M अवयव है ये अपन के भी में आ रहा है, अर्थात इसका अर्थ ये है कि ए वन बीटा वन ए टू बीटा टू प्लस ए एम बीटा एम बिलोंग करेगा अपन के भी में, क्यों करें, क्योंकि एम अवयव भी में आ रहा है ना, तो ये जो इतना इक्वेशंस बची है ये अपन की बिलोंग करेंगे भी में, ठीक है। अगर ये यहाँ पे एन आता तो अपन लिख सकते थे कि ये डब्ल्यू का आता, लेकिन यहाँ पे अपन का जो एम अवयव है वो अपन के भी में है, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि ए वन बीटा वन प्लस ए टू बीटा टू प्लस ए एम बीटा एम इज इक्वल टू भी के आधार में अवयवों का रैखिकता संचय। अब देखो अब वही बात फिर आई, रैखिकता संचय कैसे निकालते हैं, जो अपन के अवयव होते हैं अलग से अपन अवयव लेते हैं उनका मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं। तो देखो जो भी में अपन के एन और एम दोनों अवयव थे, तो एन वाले अवयव तो दिए हैं अपन को, एम वाले अवयव अल्फा वाले लिए थे अपन ने, तो वहां पे अपन ने अभी क्या लिया था ए वन ए टू, अब अपन बी वन बी टू ले लो, बी वन बी टू बी थ्री बी एन ले लो, ठीक है। तो बी वन का मल्टीप्लाई अल्फा वन में बी वन अल्फा वन प्लस बी टू अल्फा टू प्लस रेडेडेस बी एन अल्फा एन। देखो जो एम अवयव थे उसमें अपन ने ए वन ए टू ए थ्री ए एम अवयव ले लिए थे, और जो अपन ने अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन तक जा रहे हैं इसके लिए अपन ने बी वन बी टू बी थ्री बी एन ले लिए, ठीक है, क्योंकि रैखिकता संचय का अर्थ यही होता है कि अलग से अवयव लेने हैं और उसको मल्टीप्लाई करके प्लस करना, ये कहलाता है रैखिकता संचय। तो अपन ने अल्फा के लिए भी ले लिया, क्योंकि बीटा के लिए तो दिए थे, भी में अपन के दो अवयव आ रहे हैं ना एन और एम, तो अल्फा के लिए एन अवयव ले लिए थे और बीटा के लिए एम अवयव। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते, ये था ना कि जो ये वाला अवयव है इसमें एन और एम दोनों अवयव है भी के लिए, डायमेंशन भी एन प्लस एम दोनों अवयव आ रहे हैं ना, तो इसीलिए अपन ने वहां पे दो अवयव लिए हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो इसके बाद जो यहाँ पे अपन के प्लस के थे इसको अपन इससे पक्षांतर करके लिया, तो ए वन बीटा वन प्लस ए टू बीटा टू डेड एस प्लस ए एम बीटा एम माइनस बी वन अल्फा वन माइनस बी टू अल्फा टू प्लस माइनस बी एन अल्फा एन। इसका अर्थ ये है, अब आप लोग इज इक्वल टू में जीरो है, इसका अर्थ ये है कि ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू बी वन इज इक्वल टू बी टू इज इक्वल टू बी एन इज इक्वल टू जीरो, अर्थात अपन यहाँ पे अब लिख सकते हैं एस डेस लीनियर इंडिपेंडेंस है, रैखिकता स्वतंत्र है। अब दूसरी जो कंडीशन होती है एल ऑफ एस डेस इज इक्वल टू बी अपॉन डब्ल्यू, वो इसके जस्ट उल्टा कर देना है, यानी कि अभी अपन ने ये सिद्ध किया इसको यहाँ पे लेके चलेंगे और अपन ये सिद्ध कर देंगे कि बी अपॉन डब्ल्यू में एम अवयव है, ठीक है। तो ये अपन की सेकंड कंडीशन है यहाँ पे। अब देखो अपन को ये सिद्ध करना है एल ऑफ एस डेस बी अपॉन डब्ल्यू, यानी कि अपन को डब्ल्यू प्लस अल्फा, जो डब्ल्यू इसमें अल्फा के साथ प्लस डब्ल्यू वाले जो अपन अवयव लेंगे वो अपन के बिलोंग करेंगे बी अपॉन डब्ल्यू में, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन भी जो है इसमें एन और एम दोनों अवयव हैं और डब्ल्यू में केवल अपन के क्या है, कौन से अवयव है डब्ल्यू में,
ओनली एन अवयव है, तो इसमें अपन एक अलग से डब्ल्यू प्लस अल्फा है, क्योंकि अपन को एक उपसमष्टि लेनी है ना, तो डब्ल्यू प्लस अल्फा जो होगा वो बिलोंग करेगा भी अपॉन डब्ल्यू में, फॉर अल्फा बिलोंग्स टू भी, जो अल्फा के अवयव होंगे वो बिलोंग करेंगे अपन के भी में, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं भी के आधार में अवयवों का रैखिकता संचय। अब देखो अल्फा के लिए अपन अवयव अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन तक लेंगे, तो इसके लिए अपन ने कौन से अवयव लिए थे अलग से, रैखिकता संचय यानी अलग से अवयव करके उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ना, तो बी वन बी टू बी थ्री ले लिए, बी वन का मल्टीप्लाई अल्फा वन यानी बी वन अल्फा वन बी टू अल्फा टू बी एन अल्फा एन। अगर आप लोग ये लिख रहे हो कि भी के आधारों में अवयवों का रैखिकता संचय, इसका अर्थ ये है अपन को अन्य कोई अवयव ए वन ए टू ए थ्री जो कुछ आपको लेना बी वन बी टू बी थ्री उनका मल्टीप्लाई करके जो अल्फा है तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन तक मल्टीप्लाई करना। अगर बीटा वन बीटा टू बीटा बीटा एम होते तो उसके लिए अपन ए वन ए टू ए थ्री, क्योंकि अपन ने पिछला जो किया है तो उसमें अपन ने इसी प्रकार से अवयव लिए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, अब अपन ने एक अल्फा यानी अभी अपन को क्या दिया था अल्फा वन अल्फा टू में अपन ने अवयव लिए थे कहाँ तक एन तक, लेकिन अपन को सिद्ध कर में करना है कि जो बी अपॉन डब्ल्यू है उसमें एम अवयव है, तो इसको अपन एम के अवयव के लिए लिख लेंगे, क्योंकि देखो बी में अपन की दोनों अवयव एन और एम दोनों है, लेकिन अपन को बी अपॉन डब्ल्यू में केवल एम अवयव बताना है, तो इसीलिए अपन इसको एम में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन अलग से बाई ले लेते हैं, बाई प्लस ए वन बीटा वन, और ये जो बाई है ये बिलोंग कर रहा है अपन के बी में, ठीक है। ए वन बीटा वन यानी देखो अभी अपन अल्फा के लिए लिया था तो अपन ने बी वन बी टू बी एन तक लिए थे, अब लेकिन अपन बीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीटा में जो अवयव है वो एम अवयव है, इसीलिए ए वन बीटा वन, और यानी कि अपन को एम में सिद्ध करना है तो हर चीज अपन को एम में लेना पड़ेगा, ए टू बीटा टू प्लस ए एम बीटा एम अर्थात डब्ल्यू प्लस अल्फा वन, क्योंकि अपन को निकालना का है डब्ल्यू प्लस अल्फा में तो चाहिए ही है, क्योंकि वो बिलोंग कर रहा है भी अपॉन डब्ल्यू में, तो डब्ल्यू प्लस अल्फा निकालेंगे यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं डब्ल्यू प्लस वाई प्लस ए वन बीटा वन प्लस ए टू बीटा टू ए एम बीटा एम। यहाँ पे डब्ल्यू प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी जो बाई अवयव है वो बिलोंग कर रहे हैं अपन के डब्ल्यू में यहाँ पे, ठीक है। और हमने अभी जो बोला था कि बाई में भी बिलोंग कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, यहाँ पे जो बाई है ये अपन के डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अल्फा बिलोंग कर रहा है भी में, लेकिन यहाँ पे अपन बीटा जो है यहाँ पे अपन बाई ले रहे हैं, इसीलिए जो बाई होगा वो उपसमष्टि में ही बिलोंग करेगा, अर्थात डब्ल्यू प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू के लिए, तो इसके स्थान पे डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डब्ल्यू प्लस ए वन बीटा वन आ जाएगा प्लस डब्ल्यू ए टू बी टू प्लस डब्ल्यू ए एम बीटा एम आ जाएगा। यहाँ से सब जगह से ए वन अपन आगे ले लेते हैं और डब्ल्यू को अंदर ही लिखा रहने देते हैं, डब्ल्यू प्लस बीटा वन, यहाँ से ए टू को बाहर ले लेते हैं डब्ल्यू प्लस बीटा टू प्लस डेडेडेस ए एम को बाहर ले लेते हैं डब्ल्यू प्लस बीटा एम। अतः आप देखो एम अवयव आ गए ना, यही अपन को बताना था कि बी अपॉन डब्ल्यू में एम अवयव है, अर्थात अतः एच डेस बी अपॉन डब्ल्यू का आधार है, अतः एल ऑफ एच डेस डायमेंशन बी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्रूव्ड दैट, ठीक है। ये जो अपन का सेकंड कंडीशन होती है अपन को जस्ट उल्टी सिद्ध कर देनी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग देखो मेन चीज अपन को इसमें ये समझनी रहती कि विस्तार प्रमेय क्या है और डायमेंशन यानी इसकी व्यमाएं क्या होती हैं। तो आप विस्तार प्रमेय का अर्थ ये है कि अपन आधार को विस्तारित कर सकते हैं, ठीक है, और जो विमा होती है उसमें अवयवों की संख्या बताने के लिए डायमेंशन का यूज किया जाता है।